नमस्कार दोस्तों, जीआरएस टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी CBT 1 एग्ज़ाम दे चुके हैं ALP टेक्नीशियन का, तो इंतज़ार न करें, जल्द से जल्द फॉर्म भर दें CBT 2 के लिए। नहीं तो आपका 500 रुपया जो दिए थे आप, और उसमें से 400 रुपये जो मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। दोस्तों, रेलवे ने ये तय कर दिया है कि जो परीक्षार्थी CBT 1 का एग्ज़ाम दिए हैं, वो CBT के लिए रिफिल फॉर्म भरना उनके लिए अनिवार्य है। दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है। रिवीजन वैकेंसी सिलेक्शन ऑफ RRB ऑप्शन ऑफ रेलवे यूनिट एंड पोस्ट सिलेक्शन एग्जाम डेट एंड कंफर्मेशन मॉडिफिकेशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल फॉर रिफंड। रिफंड के लिए आप अपना बैंक अकाउंट फिर से ऑप्शन दिया जाएगा रेलवे के तरफ से, वहाँ पे जाके रिफिल फॉर्म करिए, उसके बाद ही आपको मिलेगा। और ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है, ये डेट आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग डेट है 22/9, टाइम 11 बजे से शुरू हो रहा है, और क्लोजिंग डेट है 1 तारीख, जो कि रात्रि 23:59 पे बंद हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये बता दिया जा रहा है रेलवे के तरफ से कि अगर साइट क्रैश होता है और आप लास्ट डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा और आप CBT 2 के लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे। दोस्तों, और भी मैं बता दूं कि असिस्टेंट लोको पायलट का सीट बढ़ के हो गया 27,795, और वेरियस पोस्ट जो है वो 36,576 हो गया है। कुल मिला के 64,371 सीट हो गया है। दोस्तों, आप अच्छे से ध्यान से सुन लें एक बार और। 22/9/2018 से स्टार्टिंग हो गया रिफिल फॉर्म भरने का CBT 2 के लिए, और क्लोजिंग डेट 1/10/2018 है। और आप देख सकते हैं, धीरे धीरे मैं नीचे दिखा दूं, नीचे आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूं कि किस जोन में कितना सीट है, तो देखना ना भूलें। और आप तैयार रहें, मैं सारा जानकारी ये जो देख रहे हैं, जो मैं बढ़ा रहा हूँ, वो सारा दे चुका हूँ। ऑल द कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन द CBT 1 स्टेज CBT हैव टू सेलेक्ट द RRB एंड प्रायोरिटी ऑफ ऑप्शन ऑफ रेलवे प्रोडक्शन यूनिट एंड पोस्ट फिलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर सेकेंड स्टेज CBT। अगर आप फॉर्म नहीं भरिएगा फिर से, तो आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। क्वालिफाई तो छोड़िए दोस्तों, आपको बैठने ही नहीं देगा। पहले CBT 1 में क्वालिफाई हो या ना हो, जल्द से जल्द CBT 2 का फॉर्म अवश्य भरें। नीचे मैं सीट दिखा देता हूँ किस जोन में आप भरेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये देख सकते हैं, बार बार नोटिस दिखा रहा है कि कैंडिडेट शुड कंप्लीट ऑल द अबव एक्टिविटी वेल बिफोर क्लोजिंग टाइम 23:59। 1:10 वाला टाइमिंग है, आप सभी को पता ही है। हमारे भाई बहनों, प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर फॉर्म भर दें। अब ये देखिए, अहमदाबाद में मैं जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, लेकिन सभी कास्ट का मैं बता देता हूँ। टाइम लगेगा तो लगने दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, आराम से देखते जाइएगा। अहमदाबाद 193 है UR के लिए, अजमेर, इलाहाबाद, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहिएगा तो मैं आपके लिए PDF भी बना दूंगा, आप इसे देख सकते हैं। मैं जूम कर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अहमदाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद में ज़्यादा सीट है, भुवनेश्वर में ज़्यादा सीट है, और सिकंदराबाद में भी काफ़ी अच्छा सीट है, मुंबई में भी सही सीट है। आप इन सभी सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट और वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन दोनों का है। तो आपको मैं बता देना हूँ कि डिवीज़न में आप अप्लाई करें एक बार और देख लीजिए, नहीं तो कहिएगा कि अच्छा से बताए नहीं। देख लीजिए आप, अहमदाबाद में सीट कम है, इलाहाबाद में ज़्यादा है, दोनों में देख लीजिए, इलाहाबाद में दोनों में ज़्यादा है, टेक्नीशियन और लोको पायलट दोनों में। फिर
बेंगलोर में भी काफ़ी अच्छा सीट है, वहाँ भी भर सकते हैं। भुवनेश्वर भर सकते हैं, गोरखपुर, ये सारा सीट आप भर सकते हैं। और वहाँ पे भरिएगा तो चांस ज़्यादा रहेगा। और सिकंदराबाद देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सीट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही निवेदन है कि आप जल्द से जल्द CBT2 का फॉर्म भर दें, ताकि आपको 400 रुपये जो मिलने वाले हैं वो मिल जाएं। और CBT1 में उत्तीर्ण होंगे तो आप CBT2 में भी बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं और रेलवे की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आपका प्यारा चैनल GRS टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करिएगा, तो बहुत लाभ पहुंचेगा दूसरे लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा और दूसरे को भी लाभ पहुंचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।